म्यूजिक को स्लाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट डैशबोर्ड, यहाँ पे उसका डोर हैंडल खोजते हैं लोग। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है हम हमारे एक और नए वीडियो। और आज हमारे पास है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि हम सबकी फेवरेट गाड़ी और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है, जिसे इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस गाड़ी की खास बात यह कि लो मेंटेनेंस और सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार में से होती है। तो आइए बात करते हैं हमारी स्विफ्ट के बारे में। शुरू करते हैं चाबी से। तो इस तरह का कुछ चाबी होता है इसका, जिसमें दो बटन होते हैं, लॉक और अनलॉक। इसका सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसका अनलॉक का बटन दबाते हैं तो सिर्फ इसका ड्राइवर साइड खुलता है, और अगर दो बार प्रेस करते हैं तब ऑल फोर इसका डोर ओपन होता है, जो इस तरह होता है। अभी एक जो है एक हमारा डोर ओपन हुआ, और डबल करेंगे तो चारों डोर ओपन हुए। तो इस तरह का इसका कुछ ओपनिंग है। ये जो पर्टिकुलर आप वेरिएंट देख रहे हैं, ये सुजुकी का स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है, जो कि सेकंड बेस वेरिएंट कहलाता है। और इस टाइप का इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल है, जिसमें फ्रंट ग्रिल कुछ इस टाइप की मिलती है, सामने सुजुकी का लोगो होता है, हेलोजन बेस्ड लैंप मिलते हैं, फ्रंट लाइट मिलती है, इस पर फॉग लैम्प नीचे का रहता है। ये कुछ इस टाइप का इसका फ्रंट प्रोफाइल रहता है। साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप का रहता है। इस पे हमें अलॉय व्हील नहीं मिलते, अगर हम चाहें तो एसेसरी में इसको लगवा सकते हैं। टायर प्रोफाइल साइज का इसका अप्रोक्सीमेटली 14 इंच का टायर साइज में मिलता है। अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं है VXI में, अगर आप चाहें तो एसेसरी में VXI में लगवा सकते हैं, ये एसेसरी का पार्ट हो सकता है होता है। और इस पे हमने लगाया है वाइजर, डोर वाइजर लगाया हुआ है, साइड क्रोम गार्निश लगाया हुआ है। कुछ साइड प्रोफाइल रहता है इस पे, मिरर पे हमको इंडिकेटर मिल जाता है, फेंडर वाला आइटम नहीं रहता इस पे। में पीछे का होता है, हमको इस पे वाइपर नहीं मिलता, कैमरा इस पे ऑफर नहीं किया जाता इस पे, साथ सिर्फ चार पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं किया जाता। ये कुछ इस टाइप का इसका साइड प्रोफाइल होता है। और इस पे सबसे खास बात होती क्या है कि हम लोग को पता नहीं चलता कि इसका डोर का हैंडल कहाँ है, तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इसका डोर हैंडल होता है, जहाँ से ये ओपन होता है। बाकी मेनली कार में होता क्या है कि जो नहीं जान रहे होते हैं तो यहाँ पे उसका डोर हैंडल खोजते हैं लोग, होता नहीं है। तो ये सबसे अटपटी चीज़ लगी मुझे। और इस टाइप का इसका कुछ फ्रंट हैंडल होता है, इसमें रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर नहीं किए जाते, रिक्वेस्ट सेंसर ना तो ड्राइवर साइड में किए जाते ना पैसेंजर साइड पे। पूरा ओवरव्यू होता है, एक फ्रेम में आप ले सकते हैं पूरा ओवरव्यू। इस टाइप का कुछ गाड़ी होता है। इसका रूफ का शार्क फिन एंटीना इस पे ऑफर नहीं किया जाता, नॉर्मल एंटीना ऑफर किया जाता है, स्पॉइलर ऑफर किया जाता है, डोर वाइजर इस पे अगर आप चाहें तो रूफ रेल्स लगवा सकते हैं, एक्सेसरी का पार्ट और सॉरी लॉक ओपन नहीं किया हुआ है तो लॉक ओपन कर लेते हैं। अभी मैंने एक स्विच ऑफर किया, एक स्विच दबाया तो सिर्फ हमारा ड्राइवर साइड ओपन होगा, लेकिन हमारा पैसेंजर साइड डोर ओपन नहीं होगा। फिर हम अगर इसको डबल प्रेस करते हैं की को, तभी ये हमारा दोनों गेट ओपन हो पाएंगे। तो इस टाइप का इसका कुछ प्रोफाइल होता है, इस टाइप का कुछ इसका सीट होता है, रियर पार्सल ट्रे होता है, सीट कवर्स हमने डलवाए हुए हैं। इस टाइप का इसका पूरा डोर होता है, डोर पैनल, और ऑल फोर पावर विंडो का हमें सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे हमको हर विंडो पे ऑटो नहीं बोलते लेकिन स्विच प्रोवाइड कराती है सुजुकी का। फोल्डर है सॉरी वाटर होल्डर इस पे मिल जाता है हमको। लेग रूम काफ़ी मिल जाता है हमको, और इस तरह दिखता है इसका कुछ पीछे के सीट से फ्रंट डैशबोर्ड। और अगर आप ठीक ठाक पर्सनालिटी रखते हैं तो काफ़ी हेडरूम मिल जाता है। मेरी हाइट 6 फीट है और आप देख सकते हैं इतना मुझे स्पेस मिल रहा है। स्पेस में कमी गाड़ी में नहीं है, हाँ थोड़ा तो होता है ये कंजेस्टेड, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें आप इजिली तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। बात करते हैं ड्राइवर साइड की, तो इसमें किसी भी तरह का रिक्वेस्ट सेंसर हमको ऑफर नहीं किया जाता। इस पे हमको की से ही एंट्री लेनी पड़ती है, अगर हमारी की का सेल डाउन हो जाए तो की से ही एंट्री करते हैं। और बात करते हैं फ्रंट डोर की, तो हमको ऑल फोर ड्राइवर साइड पे कंट्रोल मिल जाते हैं, विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं,
लॉक और अनलॉक का स्विच मिल जाता है यहाँ पे, और मिरर लेवलर भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ये पूरा इलेक्ट्रिक होता है, मिरर को हम इलेक्ट्रिक फोल्ड नहीं कर सकते लेकिन लेवल में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लेवलर अवेलेबल है इस वेरिएंट में। इस टाइप का कुछ का इसका डैशबोर्ड होता है। इस पर हमको वाटर होल्डर भी मिल जाता है फ्रंट ड्राइवर साइड डोर पे। इस टाइप का इसका कुछ फ्रंट कंसोल होता है, मीटर कंसोल होता है, डैशबोर्ड का लुक होता है, म्यूजिक सिस्टम का डैशबोर्ड होता है। और स्टीयरिंग में हमको सिर्फ मीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस वेरिएंट में। कॉल को रिसीव करने का, कट करने का, ब्लूटूथ का, मोड का, वॉल्यूम अप एंड डाउन और म्यूजिक को स्लाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम होने वाला है। यहाँ पूरा एसी का कंट्रोल होता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इस पे ऑफर किया जाता है। USB का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पे AUX और USB दोनों सपोर्ट कर लेते हैं। ये होता है कुछ इसका फ्रंट का कंसोल। ये तो इसका कुछ ग्लव बॉक्स में ज़्यादा कुछ स्पेस है नहीं, थोड़े बहुत आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। S7 हजार लाइट का स्विच, मिरर लाइट, सनरूफ का कोई ऑप्शन नहीं है, लाइट्स के कंट्रोल, और इसमें कोई LED स्क्रीन ऑफर नहीं होती। सिंपल सा एक डिस्प्ले ऑफर होता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जो आपको लगभग बहुत सारे फीचर्स बता देता है। बहुत सी इंफॉर्मेशन इस पे हमको मिल जाती है। इस तरफ कुछ वाइपर्स के कंट्रोल, गियर, ये 5 गियर ऑप्शन के साथ आता है। टिकट होल्डर इस पे हमको देखने का मिल जाता है। इसमें कोई भी लाइट ऑफर नहीं की जाती। ड्राइव को पैसेंजर साइड में एक छोटा सा मिरर ऑफर किया जाता है और लाइट इस पे भी ऑफर की नहीं जाती। हैंडल का प्रोविजन है, अगर आप बैठ के चलते हैं तो आप हैंडल का उपयोग कर सकते हैं, लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। AC वेंट होता है, इसको आप सेट कर सकते हैं, अगर आप ओपन रखना चाहें, बंद करना चाहें, साइड में करना चाहें तो हो जाता है वेंट के लिए। और इस गाड़ी में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट और नहीं किया जा सकता, आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं। मैं आपको इसका मैनुअल गियर सेटअप दिखा देता हूँ। इसमें कुछ यहाँ पे इसका मैनुअल सेटअप होता है, जिससे आप इसको सीट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। देखिए इसका हाइट जो है बढ़ रहा है, और इससे आप नीचे डाउन कर सकते हैं। इससे आप सीट को लेवल में कर सकते हैं। आगे पीछे करने का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक ऑफर नहीं किया जाता। इसमें आपको सारा कुछ मैनुअल ही करना होता है। और यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक ओपनर होता है, जिससे आप फ्यूल भरवाने के लिए ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रंट की, तो इंजन कंपार्टमेंट की, तो यहाँ से कुछ ओपन होता है इसका इंजन कंपार्टमेंट। और चलते हैं इंजन कंपार्टमेंट की ओर। इस पे ऑफर होता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर मैनुअल ट्रांसमिशन का इंजन, जो कि ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। डीजल का इस पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। सुजुकी में लगभग सारी गाड़ियों पे डीजल लगभग बंद ही हो गया, सारी गाड़ी पेट्रोल पे ही ऑफर की जाती है। यहाँ पे इसका वॉशर फ्लूइड भरा जाता है, कूलेंट का ऑप्शन इधर से है, बैटरी है, और यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑयल रिफिल करने का ऑप्शन है। इस तरह का पूरा कुछ इंजन का कंपार्टमेंट है। ज़्यादा भरा भरा सा नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना ज़रूरत का सामान है सारा कुछ है। यहाँ पे हमारा फ्यूज बॉक्स हो जाता है इंजन, और इस पे इंजन का कवर नीचे ऑफर किया जाता है। यहाँ पे कंप्रेसर, इस पे इंसुलेशन अच्छे से किया हुआ है, सुजुकी ने इस पे थोड़ा काम किया है। फ्रंट हुड पे इंसुलेशन ऑफर की जाती है। तो ये कुछ रहा सुजुकी स्विफ्ट के बारे में कुछ डिटेल्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको किसी भी गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो आप चैनल पे कमेंट करके बोल सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।